नेम इज मेहर, वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 0007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ चिकन चिल्ली, ये व्यूअर्स की फरमाइश है। और चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो देखिए। 250 ग्राम हमारी चिकन जाएगी बोनलेस, और मैंने इसे स्लाइस बना ली हूँ। और 2 टेबल स्पून हमारा जिंजर गार्लिक और मिर्ची चॉप है, 2 टेबल स्पून लगेगा। 4 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लावर लगेगा। 1 मीडियम साइज के प्याज मैंने क्यूब्स में काट ली हूँ, वो लगेगी। 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च क्यूब्स में काट ली मैंने, वो लगेगी। 1 अंडा लगेगा। 2 टेबल स्पून हमें सोया सॉस लगेगा, नमक टेस्ट के हिसाब से लगेगा, और कलर 1 टीस्पून लगेगा। 1 टेबल स्पून हमें शेजवान चटनी, जो मेरी होममेड है, आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं होममेड, नीचे ऊपर आएगी। और ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ली हूँ मैंने, ये 2 टेबल स्पून है, ये 1 टेबल स्पून है। और ये देखिए मैंने ये येलो वेल पेपर जो आता है वो ली हूँ मैंने, इसके 6-7 स्लाइस ली हूँ, जरा कलरफुल अच्छा लगता है उसके लिए। और 2-4 मैंने ये ली हूँ, आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं रहेगी तो नहीं डालें। 1/2 टेबल स्पून मैंने बटर ली हूँ। और चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी चिकन धो के साफ करके रख ली थी, और उसमें मैं ये जो मेरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डालूंगी, और थोड़ा सा मैं 1/2 टी स्पून के जितना मैं सोया सॉस डालूंगी, नमक मैं टेस्ट के हिसाब से डालूंगी। और जो मेरा तंदूरी कलर है वो मैं सब डाल दूंगी इसमें। और जो मेरा अंडा है ये भी मैं पूरा डाल दूंगी इसके अंदर। और जो कॉर्नफ्लावर है 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए हमने मिक्स कर ली है, चूल्हा मैंने चालू कर दी हूँ और पैन उस पर रख दी, ऑयल रख दी हूँ, ऑयल हमारा हो चुका है। 1 by 1 करके एक एक करके हमें डालना है, सब एक साथ नहीं डालना। और स्लो तेल जब स्लो रहेगा, स्लो पे नहीं, जब फास्ट हो जाएगा तेल, अच्छे से गर्म हो जाएगा, धुआं उठने लगेगा, तभी आपको डालना है, नहीं तो चिकन पानी छोड़ देगी। सारी चिकन को हमें ऐसे ही डालना है। देखिए एक तरफ से हमारा हो चुकी है चिकन, हमें इसे टर्न करना है। और टर्न करने के बाद में इसे निकाल के और मैं आपको चिकन चिल्ली कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। देखिए हमारा तेल हमने थोड़ा सा रोके हैं, बाकी हम मैंने साइड में ले ली हूँ, सेपरेट कर ली हूँ, तेल को अलग कर ली हूँ। और मैं इसमें ये थोड़ा बटर डाल दूंगी। बटर डाल दी हूँ, बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हमें ये जो जिंजर गार्लिक और चिल्ली है वो हमें डालना है। इसको अच्छे से भूनने देंगे तो इसकी स्मेल निकल जाए, और अच्छे से इसको कुक भून लेंगे। ज्यादा हमें ऑयल नहीं डालना है, मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना रोकी पैन में, और 1 टेबल स्पून मेरा बटर था वो मैंने ऐड करी, ज्यादा इसमें ऑयल नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी चिकन फ्राई है तो उसमें बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। अब इसके बाद में ये शेजवान चटनी जो है ये मेरी होममेड है, ये मैं डाल रही हूँ। सोया सॉस में डाल दूंगी पूरा। जो हमारी प्याज है वो पूरी डाल दूंगी, शिमला मिर्च है वो पूरी डाल दूंगी। ओवर कुक हमें सब्जियों को नहीं करना है। ये वेल पेपर जो है आपकी चॉइस आपकी है, आपके पास हो तो डालें, मैं तो कलर के लिए डाल रही हूँ, जरा कलर तो अच्छी लगी थी, मेरी रेसिपी में नहीं है ये। ये देखिए सब्जी हमारी, हमें ज्यादा ओवर कुक नहीं करनी है,
इसी स्टेज पे हम चिकन को ऐड कर देंगे और चिकन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतने हमारी चिकन हो रही है, इतने में आपको एक चीज और बता देती हूँ, हमें कॉर्नफ्लावर लेना है, एक पानी लेना है, एक कप पानी लेके हम उसमें अपना कॉर्नफ्लावर घोल के डाल देंगे। जो हमारा बचा हुआ कॉर्नफ्लावर है वो हम पूरा डाल देंगे। ये देखिए कॉर्नफ्लावर हमारा घुल गया। अब हम क्या करना क्या है कि ये हमें अच्छे से मिक्स करके, अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप पानी कम डालें, अगर मैंने तो एक कप के जितना पानी ली हूँ, और आपको अगर थोड़ा सा ग्रेवी जैसी चाहिए तो आप पानी ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए अभी मुझे धीरे धीरे करके मैं अपनी चिकन चिल्ली में ये पानी डाल दूंगी, ये ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप इसी स्टेज पे अपनी चिकन चिल्ली को उतार लेंगे, और मुझे ड्राई नहीं चाहिए, आप थोड़ा पतली बनाना चाहते हैं तो थोड़ा एक कप पानी उसमें और ऐड करेंगे। एक कप पानी ऐड करने के बाद में अच्छे से इसमें जोश आने देंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी थोड़ी हमें ग्रेवी जैसी है चाहिए थी, वो मैंने एक कप में मैंने कॉर्नफ्लावर घोल के डाल दी थी, एक कप मैंने वापस बाद में ऐड करी हूँ। और देखिए मैं विनेगर आपको बताना भूल गई थी, ये 1 टेबल स्पून विनेगर जाएगा इसमें, इससे थोड़ा सा टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं आप मेरी रेसिपी में है, आप नीचे देख लेना लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताना भूल गई थी। ये देखिए हमारी चिकन चिल्ली रेडी है, मैं अब आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। देखिए हमारी चिकन चिल्ली तैयार है, बहुत अच्छी लग रही है, कलरफुल है। अगर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स में प्रॉब्लम होती है तो नीचे बॉक्स में आप देख लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें लिखे हुए हैं, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और मेरी रेसिपी को आप पसंद कर रहे हैं, शुक्रिया फ्रेंड, थैंक यू, बाय।